गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 द फॉक्स एंड द क्रेन ऑन पेज नंबर 3। यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग एज कनिंग एज फॉक्स। गिवन बिलो आर अ फ्यू मोर सेइंग्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द इंसेक्ट और एनिमल। ओके, तो हमने द फॉक्स एंड द क्रेन में क्या सुना था? एस कनिंग एस फॉक्स, कनिंग यानी कि क्रूर। ओके, तो फॉक्स की तरह क्रूर। तो यहाँ पे कुछ और ऐसे सेइंग्स है, तो पिक्चर को देख के हमें उस ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट है एज बिजी एज अ ब्लैंक। तो ये क्या है, ये किसका पिक्चर है? बी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी। एज स्लो एज ब्लैंक, तो ये किसका पिक्चर है? टॉर्टोइज। ओके, टॉर्टोइज की तरह स्लो। तो टॉर्टोइज का स्पेलिंग TORTOISE, टॉर्टोइज। ओके, तो आपको भी इस तरह यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। नेक्स्ट पेज वर्कशीट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 द फॉक्स एंड द क्रेन। फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज। ओके, तो ये हमारा ग्रामर का जो टॉपिक था, दीज और दोज, मैंने सिखाया था आपको कि ये प्लूरल थिंग्स के लिए है। दीज इसके लिए यूज करेंगे जो हमारे नियर बाय थिंग्स हो, और दोज उसके लिए यूज करेंगे जो हमसे फार अवे हो। ओके, दूर हो। तो नज़दीक की चीज़ों के लिए दीज यूज करेंगे, THESE वाला दीज, एंड फार अवे थिंग्स के लिए दोज यूज करेंगे, TOSE, दोज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ब्लैंक आर शू एंड ब्लैंक आर सॉक्स। ओके, तो यहाँ पे जो शूज है वो नज़दीक है और जो सॉक्स है वो दूर है। तो नियर बाई थिंग के लिए दीज यूज करेंगे एंड फार अवे थिंग के लिए दोज यूज करेंगे। तो दीज आर शूज एंड दोज आर सॉक्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे दीज आर शूज एंड दोज आर सॉक्स। नेक्स्ट, ब्लैंक आर एप्पल्स एंड ब्लैंक आर ऑरेंजेस। ओके, तो यहाँ पे ये एप्पल तो दूर है, तो दूर है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दोज, TOSE, दोज। दोज आर एप्पल्स एंड ब्लैंक आर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस नज़दीक में है, पास में है, तो दीज आर ऑरेंजेस। नंबर 3, ब्लैंक आर बैग्स एंड ब्लैंक आर बुक्स। तो बैग नज़दीक है, तो नज़दीक की चीज़ के लिए दीज। तो दीज आर बैग्स एंड बुक्स दूर है, तो दोज आर बुक, दोज आर बुक्स। नेक्स्ट, नंबर 4, ब्लैंक आर मार्बल्स एंड ब्लैंक आर चॉकलेट्स। ओके, तो मार्बल नज़दीक है, तो दीज आर मार्बल्स, मार्बल्स यानी कंचे, एंड ब्लैंक आर चॉकलेट्स। चॉकलेट्स दूर है, तो दोज। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक आर पेंसिल्स एंड ब्लैंक आर पेंस। तो पेंसिल देखो दूर है और जो पेन है वो नज़दीक है, तो पेंसिल दूर है तो दोज यूज करेंगे। तो दोज आर पेंसिल्स एंड दीज आर पेन। ओके, तो यहाँ पे सभी चीज़ आपने देखी होगी, तो सभी प्लूरल होगी। ओके, सिंगल चीज़ नहीं है, सिंगल थिंग नहीं है, एक से ज़्यादा थिंग है। तो एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल, और सिंगल होगा तो सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो ये दीज, TOSE एंड दोज यूज करेंगे नियर और फार अवे थिंग्स के लिए रिस्पेक्टिवली। और अगर सिंगुलर है, सपोज कि बुक का एग्जांपल दे रही हूँ, तो बुक पास में है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दिस इज अ बुक, एक ही बुक होगी तो दिस इज अ बुक। ओके, तो THIS वाला दिस यूज करेंगे, दिस इज अ बुक।
और एक से ज्यादा बुक्स होगी तो हम दीज आर बुक्स, ओके THESE दीज आर बुक्स। सेम अगर बुक दूर होगी और एक ही बुक होगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ बुक, दूर है और एक ही है, सिंगल है, सिंगुलर के लिए दैट इज अ बुक। अगर वही बुक दूर होगी और एक से ज्यादा बुक होगी प्लूरल फॉर्म में तो दोज आर बुक हो जाएगा, ओके तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको ये आपके बुक है जो उसके पीछे ये वर्कशीट दी गई है उसके अंदर फिल करना है। थैंक यू।